सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फोन मानसून हंगामा ऑफर के बारे में। दोस्तों मैं इस वीडियो आपको बताने वाला हूं आपके पास पांच ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको जियो का फोन मानसून हंगामा ऑफर में ले लेना चाहिए। दोस्तों काफ़ी लोग सोचते हैं ये तो जियो का हेटर है, जियो से हेट करता है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जियो का कंपीटिटर जरूर हूँ पर मैं जियो का हेटर नहीं हूँ। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, इन सभी कंपनियों ने हमें धर के लूटा है। बहुत पहले से हमें बहुत महंगे महंगे प्लान देती आ रही है। आज के दिन में इनके काफ़ी महंगे प्लान हैं। कंपेयर करते हैं हम अगर हम जियो के फोन प्लान से, तो दोस्तों अगर हम जियो फोन के प्लान से अगर कंपेयर करते हैं तो 179 का प्लान इनका बेसिक सा है। मतलब आपको एक महीने तक अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, आपको डाटा मिलता है 1 GB। कॉलिंग इनकी पूरी तरह से अनलिमिटेड होती नहीं है और जियो में आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो और साथ में आपको 4G डाटा आपको मिल जाता है। पर दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में आपको पांच ऐसे रीजन बता सकता हूँ जिसकी वजह से आपको जियो का फोन ही लेना चाहिए, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किसान टेक्निकल के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड कलर के बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अगर हम बात करें जियो फोन लेने के पहले रीजन के बारे में, इससे पहले आपको बता देता हूं कि कुछ अपडेट आपको पता होने चाहिए। दोस्तों मान लीजिए आपको पता है कि आज के दिन 31 जुलाई की लास्ट डेट है जियो मानसून हंगामा ऑफर में आप फोन ले सकते हो, पर क्या आपको पता है कि 31 जुलाई के बाद भी इसकी डेट बढ़ सकती है। पहला रीजन है कि जियो फोन 2 आने वाला है। अगर जियो फोन 1 का माल नहीं निकलेगा मार्केट से तो ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान नहीं जाएगा जियो फोन 2 के ऊपर। और दूसरी बात है कि जितना कंपनी ने सोचा था उतना माल बिका नहीं है जियो मानसून हंगामा ऑफर में, क्योंकि लोगों को 594 का प्लान खटकने लगा है। लोग सोचते हैं कि कंपनी हमसे धोखा कर रही है। तो 2 रीजन है जिसकी वजह से डेट बढ़ सकती है। अगर हम बात करें दूसरी अपडेट के बारे में, अपडेट तो नहीं है, मिसकंसेप्शन है। काफ़ी लोग सोचते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 31 जुलाई जियो मानसून हंगामा ऑफर की लास्ट डेट है। अगर आप 31 जुलाई को भी अगर अपना नंबर MNP कराओगे तो अगर आपका नंबर 5 अगस्त को एक्टिवेट होता है तो भी आप उस फोन को ले सकते हो जियो मानसून हंगामा ऑफर में ही। तो ये आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें पहली अपडेट के बारे में जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि जियो फोन पूरी तरह से फ्री है, ये बात सभी जानते हैं। पर एक चीज़ और भी है कि आप इस फोन को पूरी तरह से लाइफ टाइम भर सकते हो, ये कोई कंडीशन नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए आप इसे लेना भी चाहते हो, पैसे वापस कंपनी से लेना भी चाहते हो, तो कंपनी वैसे भी आपको जियो मानसून हंगामा ऑफर में 6 महीने फ्री कॉलिंग डाटा आपको दे रही है। तो पहली बात, एक चीज़ नोटिस करें कि आपको इसमें 49 का प्लान भी आप बाद में एक्टिवेट करा सकते हो, और दूसरी कंपनियों के अगर हम कंपेयर करें तो उसमें आपको 179 का छोटा सा प्लान है इनका, जिसमें आपको 1 महीने तक अनलिमिटेड, बड़ा प्लान है हालांकि, 179 में आपको 1 महीने तक अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, साथ में 1 GB डाटा मिलता है। कॉलिंग की पूरी तरह से लिमिट है कि इसमें आप 1 हफ्ते के अंदर 1000 मिनट यूज कर सकते हो, मतलब कि एक दिन में आप 300 मिनट या फिर 250 मिनट की कैपिंग दी जाती है। अब दोस्तों अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं, मान लीजिए आपने 6 महीने तक की तो आपको कॉलिंग डाटा जियो फोन दे ही रहा है, साथ में अगर 30 महीने तक आप कंटिन्यू प्लान यूज भी करना चाहो तो अगर 179 के अगर आप 30 प्लान लेते हो तो 5370 का आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर हम बात करें 49 के 30 प्लान की तो आपको 1470 रुपये देने पड़ेंगे। अगर इसमें हम देखें कंपेयर करके बेनिफिट कितना होता है तो 3900 रुपये का आपको बेनिफिट होता है। तो आप एक साइड में आप बेनिफिट देखिए, फ़ोन के रिटर्न पैसे आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं चीज़ नोटिस ना करें, आप फ़ोन को कितने दिन यूज़ कर पाओगे, फ़ोन कितने दिन में ख़राब हो जाएगा ये चीज़ नोटिस ना करें, क्योंकि जियो फोन की वैसे भी जब तक आपको रिटर्न नहीं मिलता है तब तक तो आपको गारंटी इसकी मिलती है, आप ठीक इसे करवा सकते हो जियो केयर में जाके। तो दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे रीजन की, तो दोस्तों पुराना फ़ोन आज के दिन इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है जियो फोन मानसून हंगामा ऑफर की वजह से, क्योंकि पहले का फ़ोन अगर मान लीजिए आपके पास पहले का कोई फ़ोन पड़े, आप किसी दुकान पर जाते हो उसको बेचने के लिए, तो दुकानदार आपको 200 से 300 ज़्यादा देगा नहीं, साथ में आपको बिल भी देना पड़ेगा, साथ में उसकी एसेसरीज भी शायद आपसे मांग ले। और मान लीजिए वो फ़ोन आपके पास उसका बिल भी नहीं है तो पहली बात तो चांसेस है कि आपसे फ़ोन लेंगे नहीं, लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ इतनी बता देंगे कि आप उसको देंगे नहीं। तो दोस्तों मैं इस केस में तो यही मानूंगा कि जियो फोन ने पुराने फ़ोन की वैल्यू काफ़ी हद तक बढ़ा दी है, और आपके पास अगर 200, 300, 400 रुपये का फ़ोन पड़ा है तो पूरी तरह से फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। आपके पास अगर इससे महंगा फ़ोन है, मान लीजिए आपके पास 700, 800, 900, 1000, 2000 का फ़ोन है, तो आप इस चीज़ के लिए अपना नुकसान ना करें। आप कोई भी छोटा फ़ोन ले सकते हो, मार्केट में आपको मिल जाएगा 300 से 400 रुपये का, बिना एक्टिवेट करे उसे आप चेक करवाए जियो पोज एप्लीकेशन में, अगर वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि मैंने मार्केट में ऐसी चीज़ देखी है, मैंने देखा है जो थोड़ी बहुत टूट फूट है जिस मोबाइल में वो भी एक्सेप्ट हो जाता है, और पूरा नया डब्बा पैक फ़ोन भी MEI में एक्सेप्ट हो जाता है। अगर एक बार एक्सेप्ट हो जाता है, मान लीजिए 300-400 रुपये का आपने मोबाइल ले लिया कोई भी चाइनीज़, तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, पुराने फ़ोन की वैल्यू जियो ने बढ़ा दी है, जिससे कि आप अपना जो भी कचरा है चाइनीज़ फ़ोन का वो आप दे सकते हो। हालांकि जियो भी चाइनीज़ है,
पर काफ़ी अच्छा है बेसिकली इस मामले में, तो कि इसमें आपको बैटरी बैकअप या फिर आपको अच्छा ग्रिप मिलता है उस फ़ोन में, आपकी काफ़ी अच्छी बॉडी इस मोबाइल की, स्ट्रॉन्ग बॉडी है हालांकि दूसरे मोबाइल से अगर कंपेयर करो तो। तो दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे रीजन की, तो तीसरा रीजन है वोल्टी कॉलिंग की। दोस्तों आज के दिन आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल इन सभी कंपनियों में पूरी तरह से वोल्टी कंप्लीट हुई भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो इनके बहुत सारे स्टेट हैं जिनमें वोल्टी आई नहीं है, और आई भी है तो सभी हैंडसेट पे अपडेट नहीं आई है, और फीचर फ़ोन की तो बहुत दूर की बात है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि जियो फ़ोन में आपको वोल्टी कॉलिंग मिलती है, आप HD वॉइस कॉलिंग कर सकते हो, HD वॉइस कॉलिंग के जरिए आपकी HD बातें होंगी अगर आप वोल्टी टू वोल्टी कॉल करते हो तो। साथ ही आपको बता दूँ कि इसमें कॉल लैग, कॉल बग्स की प्रॉब्लम या फिर जो भी कॉल ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है वो कभी आपको फेस करने की नानो बताएगी। हालांकि होती है वोल्टी में भी, बेसिकली जियो में भी कॉल ड्रॉप होती है, पर इतनी नहीं होती जितने की दूसरी कंपनियों में होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें फोर्थ रीजन की, तो दोस्तों फोर्थ रीजन ये है कि अगर आपके पास आज के दिन आप मेरी वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास पहले से एंड्रॉइड फ़ोन है, तो मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इस फ़ोन को घर वालों को लाके जरूर दें, चाहे 500 वाला लें चाहे 1500 वाला दें। मान लीजिए आपके घर वाले पहले से ही फ़ोन यूज़ करते हैं कोई भी कीपैड का, तो चांसेस है कि वो क्या करते हैं कि छोटा मोटा रिचार्ज करा के छोड़ देते हैं जो थोड़ी बहुत कॉलिंग उनको करनी होती है। बेसिक थोड़ी बहुत कॉलिंग होती है उनकी, अगर आप जियो का फ़ोन ला देते तो इससे फ़ायदा आपको ही है, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि इससे भाईचारा बहुत अच्छा बढ़ जाता है। अगर आप घर पर फ़ोन ला के दे देते हो तो ऑटोमेटिकली जो 6-6 साल पुराने रिश्तेदार जिनसे कभी बात ना हुई होगी उनसे भी बात करेंगे, आपके घर का माहौल भी अच्छा बने रहेगा और यारे प्यारे काफ़ी अच्छे बने रहेंगे, आपके घर वालों की रिश्तेदारी उन सभी से अच्छी बन के रहेगी और काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। बेसिकली मैं इस चीज़ में, इसी के बारे में कहना चाहता हूँ, और जियो भी यही चाहता है कि काफ़ी अच्छा भाईचारा इस देश के अंदर बना रहे। तो दोस्तों अगर हम बात करें पाँचवें रीजन की, तो पाँचवा रीजन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वो है जियो टीवी का। दोस्तों मुझे इस फ़ोन में जियो टीवी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जियो टीवी जब हम देखते हैं इस फ़ोन में तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है, कभी भी मतलब कि लैग नहीं होता, कभी भी सर्फिंग नहीं, बफरिंग नहीं दिखाती कि अभी प्रोसेस में है। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस मामले में तो जियो फ़ोन, क्योंकि इसमें जियो टीवी अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी तो साथ आती है, और ना बिना कोई बफरिंग के आप रेगुलर देख सकते हो जितना भी आपका डाटा प्लान उसमें एक्टिवेट है, और यूट्यूब, व्हाट्सअप की और वेब की अपडेट तो इसमें आने वाली है। तो दोस्तों मैंने इसमें वीडियो में आपको पांच ऐसे रीज़न बताए, फोर्थ नंबर पे जो रीज़न है भाईचारे वाला, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि अगर आप घर पे लाके दे देते हो फ़ोन तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके घर पे का माहौल काफ़ी अच्छा बन जाएगा, जिससे कि आपके परिवार में भी यारे प्यारे रिश्तेदार जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे आपके घर वालों से। और दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि मैं जियो का कोई हेटर नहीं हूँ, जियो ने काफ़ी अच्छा किया है, जो सभी कंपनियों के पूरे नखरे ला दिए हैं ज़मीन पे। इतना नहीं है कि आज के दिन ये कमाते नहीं, दूसरी कंपनियां पैसे कमाती हैं, और आज के दिन अगर आपसे जियो पैसे मांगता है तो कुछ गलत नहीं मांगता, ये भी कब तक घर से पैसे लगाएगा, एक दिन को तो इनको भी कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे पैसा लेना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो से ले कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे ऐड करके बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैंने ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।